नमस्कार, मैं हूं दिवाकर। आप देख रहे हैं JNNH खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला से। जी हां, आपको बता दें, गोवर्धन के गांव जतिपुरा का मामला, यहां दो छोटी छोटी बच्चियों का अपहरण का मामला प्रकाश में आया। मौके पर ग्रामीणों में एक आरोपी को 112 नंबर के हवाले किया। एक आरोपी मौके से हुआ फरार। आइए देखते हैं डॉक्टर केशव आचार्य गोस्वामी की रिपोर्ट। तेज बोलो, कहाँ के रहने वाले हो तुम? जतिपुरा। तो क्या हुआ था तुम्हारे साथ? वो लंबा साल में लगा हुआ, आपकी अम्मा बैठे। कहाँ पे बैठे थे? माँ जयपुर आई पे तो हम थे। अम्मा घर आए, फिर हम तो निकल गए। मन थे पीछे तो आगे, मैं मुँह निकलने लगा, हाथ बांध दिए, फिर मार दिए बिस्तर डाल, फिर हम मार लेगा। मन थे मैं करो चलो तुमको मोबाइल लाओ, वो तो चलो वो ले गए, हम भग जाए। मन थे हमारे पीछे पर वो बुला दिया, दुबक गए। जब फिर लौट गए, फिर नहीं गया, फिर हम वहाँ पकड़ लो, हम वहाँ से दुबक गए। कौन सी जगह? क्या कर रहा था वो? अच्छा, क्या नाम है आपका? राजेश सर। अच्छा, क्या मामला है अभी दो बच्चियों का जो मामला आया है? किस गांव का मामला है? गांव जतिपुरा का मामला है सर। अभी हम घर से निकल के जा रहे थे, हमको सूचना मिली, हमारे बगल में पड़ोसी हैं रहने वाले, बगल में रात और दिन रहते हैं। उन्होंने बताया कि हमारी बालक को किडनैप कर लिया है लड़के ने। कौन लड़के थे, कहाँ के थे? उसके पिताजी का नाम तारा है और उस छोटे वाले लड़की के पिता, उनके लड़के का नाम नहीं है। अच्छा, कहाँ के लड़के हैं ये? जतिपुरा के हैं, हमारी सूरज कुंड कॉलोनी पड़ती है, उनका सरस्वती स्कूल का मकान है। अच्छा, चार टाइप के लड़के हैं, हमारी जो वो है सब हमारी जाति से हैं, ठाकुर हैं हम। और बच्चों के दोनों के हाथ बांध रखे थे और उनको लेके नहीं आया और मंडी के पीछे की तरफ ले जा रहे थे, बच्चे दोनों घबरा गए। अच्छा, छोटे बालक हैं दोनों। कितने कितने साल की बच्ची हैं दोनों? दोनों एक 9 साल की, एक 10 साल की है। अच्छा, दोनों बालक अभी भी घबरा रहे हैं। दो बेटियां हैं, किसी बात नहीं करने दे रहे हैं, हम उनसे बता रहे हैं, तो ऐसा करके उनसे बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। 100 नंबर को हमने अब सूचना दी, 100 नंबर वहाँ से बरामद करके लाई, हम उनको घर से निकाल के लेके आए। उसका वो भाई नहीं मिला, उसके छोटे भाई को पकड़वा के हमने उनको दे दिया। भाई छोटे भाग, उनका जो भाई था वो भाग गया। एक मौके पर पकड़ लिया, एक फरार है। एक फरार है, एक ट्री वाला भी फरार है, उसमें ट्री में लेके जा रहा था वो। क्या नाम है? जल सिंह। कहाँ के रहने वाले हो तुम? जतिपुरा। अच्छा, ये जो बच्चियों का मामला है, क्या मामला है ये? बच्चियों का मामला ये है कि मेरे पास ये बच्ची है ना, मेरी ढकेल पे आई थी, मैं मूरी पे ढकेल लगाता हूँ। अच्छा, मैंने अभी ये घर को भेजी है, तो बच्चे घर नहीं जा पाई है, बीचते बीचते कवर कर लेंगे उस लड़के ने। कौन लड़के थे ये? जाटावन के लड़के हैं। क्या नाम है उनके, पता है उनके नाम? उनके पिताजी के नाम? देवी सिंह सनोप रामचंद ताराचंद। देवी सिंह सनोप ताराचंद। सनोप ताराचंद। अच्छा, ये बच्चे कवर कर लिए, इनके बच्चे इनके हाथ बांध दिए, लत्ता मोड़े में बांध दिए और इनको ले गया अपहरण करने के लिए। अच्छा, हाँ जी। तो आप लोग यहाँ थाने पे आए हुए, तो थाने पे क्या कार्रवाई चल रही है आप लोगों की? हमारी थाने पे कार्रवाई ये करिए, हमने रिपोर्ट लगाई है। अच्छा, तहरीर दे दी है। तो कैसी सुनवाई चल रही है, क्या चल रहा है? सुनवाई तो अभी कोई ना आ रही, होगी सुनवाई अब। अच्छा, फोटोकॉपी मांग रहे हैं, फोटोकॉपी हमें नकल दे, उसकी नकार के नहीं है, FIR करने ले, FIR कर दी हमने। अच्छा, ये लेने ले, ये ले। आज दिनांक 8 नवंबर को गोवर्धन थाना क्षेत्र के जतिपुरा क्षेत्र में दो नाबालिग बच्चियों को दो लड़के उठा ले गए थे। उसके पिता द्वारा इसकी सूचना थाने को दी गई। थाने पुलिस ने उसके पिता के साथ मिलकर लड़कियों की खोज की, दोनों लड़कियों को बरामद कर लिया गया है। एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक अभियुक्त फरार है, उसके तलाश में दबिश दी जा रही है। थाने पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।